हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सातवां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर अगली इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर है आठवां, और वो है आपके पास में चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण। इससे पहले वाले चैप्टर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट्स करके आप बता सकते हो, उस टॉपिक को दोबारा से समझा दिया जाएगा। तो अब आप अगला जो आपका चैप्टर है वो है चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण। अब आपके पास में चुंबकत्व होता क्या है और चुंबकीय पदार्थों के कौन कौन से गुण हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। अब इसके अंदर आपके पास में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है आपके पास में चुंबक। क्या होता है? चुंबक। तो चुंबक किसे कहते हैं, डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि आपके पास में किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके पास में, लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। और आपके पास में जिन पदार्थों के अंदर यह गुण पाया जाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो आपके पास में जो चुंबक होता है वो आपके पास में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब आपके पास में जो पहला है वो आपके पास में है प्राकृतिक चुंबक। कौन सा है? प्राकृतिक चुंबक। अब आपके पास में प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, वह चुंबक जो प्रकृति के अंदर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अर्थात जो प्रकृति के अंदर पहले से ही उपस्थित होता है या मानव द्वारा निर्मित नहीं होता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और प्राकृतिक चुंबक का जो उदाहरण होता है वो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। और जो मैग्नेटाइट होता है ये एक लोहे का अयस्क होता है। लोहे का क्या होता है? अयस्क होता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। तो कई बार बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि आपके पास में प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण बताइए, तो प्राकृतिक चुंबक का क्या उदाहरण होगा आपके पास में, प्राकृतिक चुंबक का जो उदाहरण है वो मैग्नेटाइट है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आयरन ऑक्साइड Fe3O4। अब उससे अगले वाला जो आपके पास में चुंबक का प्रकार है वो है आपके पास में कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि वह चुंबक जो मानव द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। जो मनुष्य बनाता है उस चुंबक को कौन सा चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। या फिर आपके पास में जो इसकी ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो दूसरी डेफिनेशन समझ लो कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। आपके पास में कोई चुंबकीय पदार्थ है जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो उस पदार्थ के अंदर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। उस पदार्थ के अंदर क्या हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो बना हुआ जो चुंबक है वो कौन सा चुंबक है, कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। अब आपके पास में कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास में स्थायी चुंबक और दूसरा होता है आपके पास में अस्थायी चुंबक। तो आपके पास में स्थायी चुंबक, दूसरा होता है आपके पास में अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, तो आपके पास में स्थायी चुंबक क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान से समझना, वह चुंबक जिसको क्या करें, चुंबकत्व का गुण एक बार प्रदान करने पर, वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण एक बार आने पर उसको क्या नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता या उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता,
तो बना हुआ जो चुंबक है वो कौन सा चुंबक आपके पास में? स्थायी चुंबक है। जब लोहे चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उनके अंदर अगर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है और वह चुंबकीय गुण ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि जिसको हम परिवर्तित भी नहीं कर सकते और न ही उसको हमें हटा सकते, तो जो बना हुआ जो चुंबक है वो कौन सा चुंबक है? स्थायी चुंबक है। तो आपके पास में वे चुंबक जिनको एक बार चुंबकत्व का गुण प्रदान करने पर, कोई भी पदार्थ मान लिया आपके पास लोहा, कोबाल्ट, निकिल, इनको एक बार चुंबकत्व का गुण प्रदान करने के पश्चात उस गुण को न तो आसानी से हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और न ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपके पास जो बना हुआ चुंबक है वो कौन सा चुंबक है? स्थायी चुंबक है। अब आपके पास में यहाँ पे स्थायी चुंबक के उदाहरण पूछता है। क्या पूछता है? उदाहरण। तो आपके पास में स्थायी चुंबक के जो उदाहरण होंगे, इसमें पहला है आपके पास में कठोर स्टील। कौन सा है? कठोर स्टील। दूसरा है आपके पास में कोबाल्ट स्टील। दूसरा कौन सा है? कोबाल्ट स्टील। और जो तीसरा उदाहरण आपके पास में, वह आपके पास में टंगस्टन। कौन सा है? टंगस्टन। और जो चौथा उदाहरण है वह आपके पास में है एक मिश्र धातु एलिनिको। तो ये मिश्र धातु का ध्यान रखना भाई, आपके पास में जो मिश्र धातु एलिनिको, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आपके पास में Al प्लस में Ni प्लस में कितना हो जाएगा? CO, एलिनिको। तो आपके पास में Al प्लस में Ni प्लस में जो CO है वो आपके पास में एक मिश्र धातु है, और ये कौन सा चुंबक बनाता है? स्थायी चुंबक बनाता है। तो स्थायी चुंबक के उदाहरण दोबारा से सुन लीजिए, आपके पास में पहला है कठोर स्टील, दूसरा आपके पास में कोबाल्ट स्टील, तीसरा आपके पास में टंगस्टन, और चौथा मिश्र धातु एलिनिको। तो ये हो गया आपके पास में स्थायी चुंबक। अब जो अगले वाला टॉपिक है वो आपके पास में अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि आपके पास में अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? वे चुंबक जिनको चुंबकत्व का गुण तब तक बना रहता है, जिनमें चुंबकत्व का गुण तब तक बना रहता है जब तक उनके ऊपर बाह्य चुंबकीय बल लगाया जाता है, जब तक उनके ऊपर बाह्य चुंबकीय बल लगाया जाता है। कहने का मतलब आपके पास में वे चुंबक जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तब तक ही उनमें चुंबकीय गुण रहता है जब तक उनके ऊपर बाह्य चुंबकीय बल लगा हुआ है। जैसे ही उनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालते हैं तो उनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आपके पास में जैसे ही उनको जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे उनका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो बना हुआ चुंबक क्या कहलाता है आपके पास में? अस्थायी चुंबक कहलाता है। अब आपके पास में जो अस्थायी चुंबक होता है उसके जो उदाहरण है वह आपके पास में कोबाल्ट, निकिल, और क्या होगा आपके पास में? लोहा। लोहा, कोबाल्ट और निकिल। अब आपके पास में इसके अंदर पूछा जाता है अस्थायी चुंबक के उपयोग। अस्थायी चुंबक के उपयोग, तो इसके बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे अस्थायी चुंबक के बारे में। तो इसके उपयोग अच्छे से समझ लेना कि आपके पास में अस्थायी चुंबक का जो उपयोग किया जाता है विद्युत जनित्र में, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। जो हम मोटर यूज करते हैं उसके अंदर भी किसका प्रयोग करते हैं? अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब तक उसके ऊपर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब तक उसके ऊपर क्या होता है? अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद में क्या होता है? वो चुंबकीय गुण क्या हो, चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और जो तीसरा है वो आपके पास में विद्युत घंटी। हम घरों के अंदर जो विद्युत बैल लगाते हैं उसके अंदर भी आपके पास में क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। तो आपके पास में ये हो गया आपके पास में चुंबक। अब अगला जो टॉपिक आपके पास में वो है आपके पास में छड़ चुंबक या दंड चुंबक। तो जो अगला टॉपिक आपके पास में क्या है? छड़ चुंबक, या इसको दंड चुंबक भी बोलते हैं, दंड
चुंबक। तो आपके पास में छड़ चुंबक या दंड चुंबक क्या होता है, ध्यान से सुनना डेफिनेशन। वह चुंबक जिसका आकार कैसा हो, एक छड़ के समान हो, जिसका आकार कैसा हो, एक छड़ के समान हो, और इस छड़ की जो लंबाई है, वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या हो, बहुत ही अधिक हो, तो आपके पास में वह चुंबक क्या कहलाता है, छड़ चुंबक कहलाता है। डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना, वह चुंबक जिसकी जो आकार है वो कैसा हो, छड़ के आकार का हो, और जिसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। अब अगला टॉपिक है छड़ चुंबक या दंड चुंबक के गुण। तो यहां लिख रहा हूं छड़ चुंबक या दंड चुंबक के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म होंगे, गुणधर्मों को अच्छे से समझना, क्योंकि गुणधर्म समझ में आएंगे तभी आगे का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो प्रथम गुणधर्म है वो आकर्षण की प्रकृति, अब आपके पास में जो आकर्षण की प्रकृति होती है वो क्या होती है, ध्यान से समझना कि आपके पास में कोई क्या है, कार्डबोर्ड है, या कोई गत्ता है जिसके ऊपर हम लोहे का बुरादा क्या करते हैं, फैला देते हैं, और इस लोहे के बुरादे के मध्य क्या रखते हैं, छड़ चुंबक को रखते हैं, तब हम देखते हैं कि जो लोहे का बुरादा होता है, वो आपके पास में सर्वाधिक इसके किनारों के ऊपर क्या होता है, चिपकता है, और इसके मध्य भाग के अंदर क्या होता है, सबसे कम लोहे का बुरादा चिपकता है। तो आपके पास में जो इसके किनारे हैं उनके ऊपर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है, और इसके मध्य भाग के अंदर क्या होता है, लोहे का बुरादा सबसे कम चिपकता है। यह हम प्रैक्टिकल घर के अंदर भी करके देख सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके पास में जो छड़ चुंबक होती है उसके किनारों पर क्या होती है, आकर्षण की प्रकृति अधिक होती है, परंतु इसके मध्य भाग के अंदर जो आकर्षण की प्रकृति होती है वो किनारों से क्या होती है, कम होती है। तो यह आगे आपके पास में आकर्षण की प्रकृति। तो कई बार आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो आपके पास में छड़ चुंबक है उसमें सबसे अधिक आकर्षण की प्रकृति कहां पाई जाती है, उसके किनारों के ऊपर, उसके ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है, तो और उसके मध्य भाग के अंदर क्या होता है, कम पाया जाता है। अब ये घटना ऐसी क्यों होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो माना आपके पास में कोई छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव है, दो किनारे हैं, एक किनारा आपके पास में एन है और दूसरा क्या है, एस है। तो आपके पास में यहां छड़ चुंबक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहां पे हम टॉपिक कर रहे थे आकर्षण की प्रकृति, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पे देखिए भाई कि आपके पास में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो सबसे घनिष्ठ कहां पे हैं, ध्रुवों के ऊपर, किनारों के ऊपर हैं। इस कारण से आपके पास में ध्रुव जो होते हैं, इसके किनारे जो होते हैं वो अधिक आकर्षण करते हैं, और इसके मध्य भाग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अल्प होता है। इस कारण से आपके पास में मध्य भाग के अंदर इसमें जो आकर्षण की प्रकृति होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो आपके पास में, उसको ध्यान से समझना कि आपके पास में सेकंड इसका जो गुणधर्म है वो क्या है। जब छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटकाया जाता है, ऐसे इसको लटका दिया धागे से बांधकर, तो ये जो छड़ चुंबक है ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन सी दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब आपके पास में
ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए इस क्षण चुंबक का जो उपयोग है वो हम दिशा सूचक यंत्र में भी करते हैं। किसमें करते हैं? दिशा सूचक यंत्र में करते हैं। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि आपके पास में क्षण चुंबक का जो सिरा, क्षण चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर में होता है, भौगोलिक उत्तर में जो अपनी पृथ्वी है उसके उत्तर में होता है, वो सिरा आपके पास में उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और जो सिरा आपके पास में दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण में होता है, वो सिरा क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखना भाई, आपके पास में जो सिरा उत्तर की ओर है वो उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर है वो कौन सा सिरा कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उससे अगले वाला आपके पास में है, जब किसी छड़ चुंबक के पास, अब आपके पास में ये एक छड़ चुंबक है और ये दूसरा छड़ चुंबक है, जब आपके पास में एक छड़ चुंबक के पास दूसरे छड़ चुंबक को लाया जाता है, जब एक छड़ चुंबक के पास दूसरे छड़ चुंबक को लाया जाता है, तो आपके पास यहां ध्यान देना कि समान ध्रुव, क्योंकि इसके भी दो ध्रुव हैं एन और एस, इसके भी कितने हैं? दो ध्रुव हैं एन और एस। समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आपके पास में जब दो छड़ चुंबकों को आपस में पास में लाया जाता है तो उनके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो अब उससे अगले वाला है आपके पास में कि आपके पास में जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक कौन सा है? ये आपके पास में तीसरा मैंने समझा दिया, चौथा है आपके पास में कि जो छड़ चुंबक होता है, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं क्या होती हैं? एक समान होती हैं। जैसे आपके पास में इसके दो सिरे हैं, दोनों की ध्रुव प्रबलताएं, तो ध्रुव प्रबलताओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं क्योंकि ये टॉपिक आगे आने वाला है कि ध्रुव प्रबलताएं होती क्या है, कि किसी भी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा, किसी भी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा जो आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो आपके पास में कोई भी छड़ चुंबक है, उस छड़ चुंबक के ध्रुव दोनों सिरों की जो ध्रुव प्रबलताएं होती हैं वो क्या होती हैं? एक समान होती हैं। यहां ध्यान देना कि आपके पास में दो छड़ चुंबक है तो दोनों छड़ चुंबकों के जो दोनों सिरे हैं उनकी ध्रुव प्रबलताएं आपस में समान नहीं होंगी, परंतु एक छड़ चुंबक की दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं क्या होंगी? समान होंगी। तो अब इससे अगले वाला है आपके पास में, अगर आपके पास में किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव को अलग कर दिया जाए, मान लिया आपके पास में छड़ चुंबक है, इसके दो ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए, तो आपके पास में छड़ चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसको हम चुंबक कह ही नहीं सकते, वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित ही नहीं करेगा। तो आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में दोनों ध्रुवों को अलग कर दिया जाए तो आपके पास में उसके एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो आपके पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके दोनों ध्रुव क्या रहेंगे? एक साथ रहेंगे। अब जो अगला टॉपिक आपके पास में, यदि आपके पास में कोई छड़ चुंबक है, कोई क्या है? छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव है, एक ध्रुव आपके पास में एन है, दूसरा क्या है? एस है। तो इसको ध्यान से समझना भाई, आपके पास में दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या है? एक समान है, अभी मैंने आपको बताया है। जब छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत काट दिया जाए, ये इसकी क्या है? लंबाई है, और ये इसका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो आपके पास में जब छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत समान दो भागों के अंदर काट दिया जाए, तब उनकी ध्रुव प्रबलता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी ध्रुव प्रबलता क्या होती है? समान होती है। जैसे ही इसको दो भागों के अंदर काटेंगे तो एक भाग इस साइड हो जाएगा, एक भाग उस साइड हो जाएगा, तब आपके पास में दोनों भागों के अंदर क्या हो जाएगा? आपके पास में यहाँ पे दूसरा ध्रुव क्या हो जाएगा? स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कि जब किसी छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत काटा जाता है
तो उसकी ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु आपके पास में जब छड़ चुंबक को उसकी लंबाई, आपके पास में ये इसका n है और ये क्या है s है, इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है m है और इसकी ध्रुव प्रबलता भी कितनी है m है। जब छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश दो भागों के अंदर विभाजित कर दिया जाता है, एक आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, दो भागों के अंदर विभाजित कर दिया जाता है, तब उनकी ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आपके पास यहां कितना हो जाएगा m बाई टू और यहां पे भी कितना हो जाएगा m बाई टू। तो कहने का मतलब क्या है, यहां ध्यान से समझना कि आपके पास में जो ध्रुव प्रबलता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं कर रही, लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो वाइवा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उसकी लंबाई के लंबवत काटते हैं तो उसकी ध्रुव प्रबलता है परिवर्तित रहती है, परंतु लंबाई के अनुदिश काट देते हैं तो उसकी ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि आपके पास में जो ध्रुव प्रबलता होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करती है। तो अब उससे अगले वाला जो टॉपिक आपके पास में कि आपके पास जो टॉपिक है चुंबकीय प्रेरण, इसी में गुणधर्म के अंदर ही है और ये आपके पास में अच्छा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है चुंबकीय प्रेरण। अब आपके पास में चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना भाई। जब किसी छड़ चुंबक के पास लोहे की छड़ को लाया जाता है तो इस लोहे की छड़ के अंदर भी चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस लोहे की छड़ के अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो कहने का मतलब जब किसी छड़ चुंबक के पास किसी लोहे की छड़ को लाया जाता है तो उसमें प्रेरण के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके पश्चात या फिर ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हो तो सेकंड डेफिनेशन लिख दो कि आपके पास छड़ चुंबक के पास जब किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है, तो प्रेरण के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, उसको अच्छे से समझना कि आपके पास में ये छड़ चुंबक है और ये लोहे की क्या है, छड़ है। अब आपके पास में ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। अब इस छड़ चुंबक को मैं क्या कर रहा हूं, दक्षिणी ध्रुव के पास ला रहा हूं, तो आपके पास में छड़ चुंबक के पास छड़ का जो सिरा है, छड़ चुंबक के पास जो छड़ है उसका जो सिरा है उसके ऊपर आपके पास में जो ध्रुवता है, इस छड़ चुंबक की ध्रुवता से विपरीत क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे आपके पास ये कौन सा ध्रुव है, एस ध्रुव है, तो आपके पास इस छड़ के ऊपर कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा, एन उत्पन्न होगा। कौन सा उत्पन्न होगा, एन उत्पन्न होगा। उसके पश्चात आपके पास में इसका अगला जो गुणधर्म है वो आपके पास में वी चुंबकन, इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है। तो अब आपके पास में अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में वी चुंबकन, वी चुंबकन। अब आपके पास में वी चुंबकन क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान से समझना भाई, ये डेफिनेशन पूछी जाती है वी चुंबकन। जब छड़ चुंबक को गर्म किया जाता है या छड़ चुंबक को पीटा जाता है या छड़ चुंबक को
पृथ्वी के अंदर लंबवत क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है लंबे समय के लिए। कितने समय के लिए? लंबे समय के लिए पृथ्वी के अंदर लंबवत क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो इस क्षण चुंबक का चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, विचुंबकन कहते हैं। तो इसकी साधारण सी डेफिनेशन निकालें तो ये होगी कि आपके पास में कि छड़ चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट करना ही, छड़ चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट करना ही क्या कहलाता है, विचुंबकन कहलाता है। अब आपके पास में अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि जब छड़ चुंबक को हम पीटते हैं या गर्म करते हैं या पृथ्वी के अंदर इसको लंबवत लंबे समय के लिए गाड़ देते हैं तो इसका चुंबकीय गुण धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है और जिसे हम क्या कह रहे हैं, विचुंबकन कह रहे हैं। तो अब अगला जो आपके पास में है वो है चुंबकीय पदार्थों का प्रतिघर्षण, इसी का गुणधर्म है आपके पास में चुंबकीय पदार्थों का प्रतिघर्षण। प्रतिकर्षण तो आपके पास में चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण क्या होगा, तो डेफिनेशन ध्यान से समझना भाई कि आपके पास में चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण क्या होगा, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिघर्षित पदार्थ। अब आपके पास में जो प्रतिघर्षित पदार्थ होते हैं वो आपके पास में सोना चांदी और पानी, सोना चांदी और पानी आपके पास में ये क्या है, प्रतिघर्षित पदार्थ है। तो आपके पास में यहां प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, दूर भागते हैं, प्रतिघर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसका उदाहरण मैंने बता दिया आपको, पानी सोना चांदी आदि है। तो अब ये हो गया आपके पास में छड़ चुंबक के गुणधर्म। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक आपके पास में वो है चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अच्छे से समझना है क्योंकि चुंबक के बारे में सारी जानकारी इन परिभाषाओं के अंदर मिल जाएगी कि ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी अभी हम किसमें करेंगे, चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में करेंगे। तो अगला टॉपिक आपके पास में चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, परिभाषाएं तो आपके पास में चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, उसमें आपके पास में जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में चुंबकीय ध्रुव, फर्स्ट है इसके अंदर आपके पास में चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, डेफिनेशन अच्छे से समझना कि आपके पास में छड़ चुंबक के वे सिरे, छड़ चुंबक के वे सिरे जिनके ऊपर आकर्षण की प्रकृति क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। यह आपके पास में क्या है, छड़ चुंबक है। तो छड़ चुंबक के वे सिरे जहां आकर्षण की प्रकृति क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। अब इससे अगले वाली जो डेफिनेशन है चुंबकीय अक्ष। अब आपके पास में मान लिया आपके पास में ये क्या है, एक छड़ चुंबक है,
तो इस क्षण चुंबक के वे सिरे जहां आपके पास में आकर्षण की प्रकृति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। मैंने अभी आपको बताया था आकर्षण की प्रकृति के अंदर इसके ध्रुवों के ऊपर आकर्षण की प्रकृति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सिरों के ऊपर आकर्षण की प्रकृति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो इन दोनों सिरों को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अब अगला जो आपके पास में डेफिनेशन है वो आपके पास में चुंबकीय अक्ष, सेकेंड आपके पास में है चुंबकीय अक्ष। तो आपके पास में चुंबकीय अक्ष क्या होगा, डेफिनेशन ध्यान से समझना कि आपके पास में चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब इसके अंदर आपके पास में जो थर्ड डेफिनेशन है वो आपके पास में है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। तो आपके पास में तीसरी डेफिनेशन है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, और प्रभावकारी लंबाई को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना चुंबक के अंदर जो प्रभावकारी लंबाई रहेगी उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, 2L से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना भाई, चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है, आपके पास में इस ध्रुव और इस ध्रुव के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और जो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। और हम प्रभावकारी लंबाई को सदा किस कौन से सिरे से कौन से सिरे की ओर मापेंगे, अब आपके पास में चुंबक के अंदर जो प्रभावकारी लंबाई है उसकी जो दिशा होती है वो सदैव एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस कारण से आपके पास में जो प्रभावकारी लंबाई है वो क्या है, एक सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि है। अब आपके पास में यहां पर दोबारा से समझ लेना कि आपके पास में प्रभावकारी लंबाई की जो दिशा होती है चुंबक के अंदर, हम छड़ चुंबक के अंदर जो प्रभावकारी लंबाई मापेंगे वो कौन से सिरे से कौन से सिरे की ओर मापेंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मापेंगे। इस कारण से आपके पास में जो प्रभावकारी लंबाई है वो आपके पास में क्या है, एक सदिश राशि है। और आपके पास में जो प्रभावकारी लंबाई 2L है ये इस छड़ चुंबक की वास्तविक लंबाई, मान लिया आपके पास में वास्तविक लंबाई कुछ भी है, इस वास्तविक लंबाई से 5/6 गुना होती है। कितना होती है, 5/6 गुना होती है। तो ध्यान रखना छड़ चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है इसके वास्तविक लंबाई की कितने गुना होती है, 5/6 गुना होती है। अब इससे अगले वाला आपके पास में टॉपिक है चुंबकीय यामोत्तर, फोर्थ आपके पास में पॉइंट है चुंबकीय यामोत्तर। अब चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछी जा चुकी है कि चुंबकीय यामोत्तर होता क्या है। तो ध्यान से समझना कि आपके पास में ये क्या है, एक छड़ चुंबक है जिसके कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, N और S। अब आपके पास में ये इसका क्या है, अक्ष है, चुंबकीय क्या है, अक्ष है। तो आपके पास में चुंबकीय यामोत्तर क्या होगा, चुंबकीय यामोत्तर क्या होगा, तो डेफिनेशन ध्यान से समझना कि आपके पास में वह काल्पनिक पृष्ठ जो चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत क्या करता है, गुजरता है। अब आपके पास में ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है जो चुंबकीय अक्ष के लंबवत क्या कर रहा है, गुजर रहा है। इस काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं।
या आपके पास में एक ऐसा काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल जो चुंबकीय अक्ष के क्या होता है, लंबवत गुजरता है। एक ऐसा काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल जो चुंबकीय अक्ष के क्या होता है, लंबवत गुजरता है, क्या कहलाता है आपके पास में, चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। अब इससे अगले वाला जो आपके पास में पांचवी जो डेफिनेशन है वो है आपके पास में क्या है, ध्रुव प्रबलता। मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में जिक्र किया था ध्रुव प्रबलता, तो अब इसके बारे में अब खोलकर बता दूंगा कि ध्रुव प्रबलता होती क्या है। तो आपके पास में जो पांचवा पॉइंट आपके पास में क्या है, ध्रुव प्रबलता। और ध्रुव प्रबलता को हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल एन से। किससे नोट करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके पास में ध्रुव प्रबलता क्या होती है कि आपके पास में चुंबक के ध्रुवों के द्वारा, चुंबक के ध्रुवों के द्वारा आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। अब आपके पास में जो चुंबक के ध्रुव हैं उनके ऊपर सिरे हैं, उनके ऊपर क्या होती है, सर्वाधिक आकर्षण की प्रकृति होती है। इस कारण आपके पास में इन दोनों ध्रुवों के द्वारा जो एब्जॉर्ब करने की, आकर्षण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और ध्रुव प्रबलता को हम किससे नोट करते हैं, एम से नोट करते हैं, स्मॉल एम से नोट करते हैं। अब आपके पास में जो ध्रुव प्रबलता है इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। उसके पश्चात आपके पास में जो ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता का जो विमीय समीकरण होता है वो होता है आपके पास में एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर जीरो, ए की पावर वन। तो आपके पास में कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर का सवाल कि आपके पास में ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक और विमीय समीकरण लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर, और इसका विमीय समीकरण क्या हो गया, एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर जीरो, ए की पावर वन होता है। तो ध्रुव प्रबलता की डेफिनेशन दोबारा से समझ लेना कि छड़ चुंबक के वे छड़ चुंबक के सिरों के द्वारा आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, या ध्रुवों के द्वारा आकर्षण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो अब इसमें जो अपना छठा पॉइंट है, चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर लगने वाला बल। आपके पास में दो चुंबक हैं, उनके ध्रुवों पर लगने वाला जो बल होगा वो कूलाम के नियम से आपको क्या करना है, निकालना है। तो अगला जो छठा पॉइंट आपके पास में, वो है आपके पास में चुंबकीय ध्रुवों पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, चुंबकीय ध्रुवों पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो अब आपके पास में चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से हम कैसे निकालेंगे, कि माना आपके पास में दो चुंबक हैं। कितने चुंबक हैं, दो चुंबक हैं आपके पास में, दो छड़ चुंबक हैं। एक आपके पास में ये है जिसका एक सिरा क्या है, एन एस। दूसरी क्या है आपके पास में, ये है जिसका एक सिरा क्या है आपके पास में, एन और एस। अब आपके पास में जो पहली चुंबक है उसकी ध्रुव प्रबलता मान ली कितनी आपके पास में, एम वन है, क्योंकि दोनों सिरों की सेम रहेगी, इस सिरे की भी इस सिरे की भी, और इन दोनों इस चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता है वो माना कितने आपके पास में, एम टू है, और इन दोनों चुंबकों के मध्य की जो दूरी है वो मान लिया कितना है, आर है। कितना है, आर। तो आपके पास में
कूलाम के नियम से इन दोनों के ऊपर लगने वाले जो बल का मान एफ का मान है वो कैसे निकालेंगे। अब आपके पास में कूलाम का नियम क्या कहता है उसको ध्यान से समझना कि आपके पास में कूलाम के नियम अनुसार चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल एफ होता है, कूलाम के नियम अनुसार चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल एफ होता है वो दोनों चुंबकों की ध्रुव प्रबलता, दोनों चुंबकों की ध्रुव प्रबलता कौन सी है एम वन और एम टू के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती। तो एम वन गुणा एम टू के क्या हो जाएगा समानुपाती। तो आपके पास एफ समानुपाती हो गया आपके पास में एम वन व एम टू। तो यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर एक। फर्स्ट कूलाम ने क्या बताया कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल F है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है, इसलिए F समानुपाती M1 M2 समीकरण नंबर A। उससे आगे आपके पास में कूलाम ने क्या बताया है कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है F वो दोनों ध्रुवों की दूरी कितनी है R के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने सेकंड टॉपिक में क्या बता दिया, सेकंड बात क्या बताई है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल एफ होता है वो उन दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी कितनी है आर के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आपके पास में क्या हो जाएगा एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके आर स्क्वायर के। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और समीकरण दो को दोनों को हम क्या करेंगे मिलाएंगे। तो आपके पास क्या होगा यहां पे हो जाएगा आपके पास में एफ समानुपाती होगा आपके पास में एम वन एम टू बटे कितना हो गया आपके पास में आर स्क्वायर बटे कितना हो गया आर स्क्वायर। तो यहां आपके पास में समीकरण के अंदर क्या आ रहा है समानुपाती का चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है समानुपाती का चिन्ह आ रहा है। तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पे क्या लगाएंगे एक नियतांक लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा एफ बराबर के और कितना हो जाएगा एम वन एम टू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपके पास में यहां जो नियतांक है के बराबर कितना है म्यू नोट अपॉन में फोर पाई म्यू नोट अपॉन में फोर पाई। यहां आपके पास में जो म्यू नोट है वायु या निर्वात की क्या है चुंबकीय शीलता है वायु या निर्वात की क्या है चुंबकीय शीलता है और फोर पाई क्या है आपके पास में नियतांक मान है। तो आपके पास क्या होगा एफ बराबर हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट अपॉन में फोर पाई और कितना होगा एम वन एम टू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में यहां पे म्यू नोट बराबर क्या मान होता है म्यू नोट बराबर होता है आपके पास में फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन और कितना होता है आपके पास वेबर एम्पियर मीटर होता है क्या होता है वेबर एम्पियर मीटर होता है। म्यू नोट बराबर कितना होता है फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन वेबर एम्पियर मीटर होता है। तो म्यू नोट का मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या मान होगा यहां ये तो आपके पास में क्या हो गया चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से आ गया। अब इससे आगे अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो आपके पास म्यू नोट का मान उठाकर यहां डालेंगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन बटे कितना हो जाएगा फोर पाई इंटू कितना हो जाएगा एम वन एम टू बटे कितना हो गया आर स्क्वायर। फोर पाई से फोर पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या मान बच गया एफ बराबर हो गया टेन की पावर माइनस सेवन एम वन एम टू बटे कितना हो गया आर स्क्वायर। ये मान हम न्यूमेरिकल में काम ले सकते हैं किसमें काम ले सकते हैं न्यूमेरिकल में क्योंकि वहां पे हम सीधा मान डालेंगे एम वन एम टू और आर का मान डालेंगे तो आपके पास में यहां म्यू नोट अपॉन में फोर पाई को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके पास ये मान हम किसमें उपयोग कर सकते हैं न्यूमेरिकल में उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अगला जो इसी के अंदर टॉपिक है इकाई ध्रुव किसे कहते हैं कई बार पूछ लिया जाता है इकाई ध्रुव किसे कहते हैं इकाई ध्रुव किसे कहते हैं
इकाई ध्रुव किसे कहते हैं। तो अब यहां पे इकाई ध्रुव की क्या निकालनी है, डेफिनेशन निकालनी है। यदि आपके पास यहां इकाई ध्रुव की डेफिनेशन निकालेंगे तो यहां ध्यान से समझना भाई, यदि आपके पास में दो समान ध्रुव, आपके पास में एम वन बराबर एम टू बराबर एम, दो समान ध्रुव आर बराबर एक मीटर की दूरी के ऊपर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। आपके पास में दो ध्रुव हैं जिनकी ध्रुव प्रबलता क्या है, एक समान है, और दोनों क्या है, आर बराबर एक मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। तो एम वन एम टू का मान कितना हो जाएगा, एक समान है तो एक हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मान कितना है, एक है तो एक डालेंगे, तब इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का मान कितना हो जाए, 10^-7 न्यूटन पर मीटर हो जाए। क्या हो जाए, 10^-7 न्यूटन हो जाए। तब आपके पास में जो चुंबक के ध्रुव हैं उन्हें क्या कहते हैं, इकाई ध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना कि जब आपके पास में दो समान ध्रुव एक मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान कितना हो जाए, 10^-7 न्यूटन पर मीटर हो जाए। तो उन दोनों ध्रुवों को क्या कहते हैं, इकाई ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई ध्रुव कहते हैं। तो आपके पास में ये हो गया इकाई ध्रुव। अब अगली क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगर यहां तक किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी बहना को कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।